का है ना, लेकिन इसके पीछे एक छोटा सा राज था। राजा दत्त को जो भी संतान होती थी, नारद आते थे और दत्त के पुत्रों को ऐसा ज्ञान देते थे, ऐसा ज्ञान देते थे कि दक्ष के पुत्र सब राजपाट छोड़कर जाकर के साधु संन्यासी हो जाते थे, माता पिता का साथ छोड़ देते थे, साधु बन जाते थे। दक्ष को नारद जी पर क्रोध आया, दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि जाओ आज से मैं तुम्हें ऐसा श्राप देता हूँ कि तुम्हारी गति एक जगह पर ज्यादा समय तक रुकने के लिए नहीं रहेगी। इसी कारण से नारद जी हर समय चलते ही रहते, हर गुण गाते हुए पेड़ा बजाते एक अंतर। ओम नारायण, ओम नारायण, श्री हरि नारायण, नारायण साथ में जय हो। जानते हैं एक अपमान अहंकार, सात्विक अहंकार, सात्विक अहंकार केवल और केवल अपना ही विनाश करता है। नारद जी को सात्विक अहंकार हो गया, क्या नारद जी तपस्या से बाहर आए और उन्हें लगा कि मैंने काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे कि आज मैंने काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने कहा हे ऋषिवर, आप इसे किसी को बताना मत, यदि कहीं चर्चा भी चलेगी ना तब भी आप इसे पता कर। लेकिन नारद जी को लगा कि हमने काम को जीत लिया। नारद जी गए भगवान नारायण के पास, उनसे भी सुमोहन रूप मांगने कि हे प्रभु, आपका सुंदर स्वरूप है, आप उसको अपना विश्वमोहन रूप प्रदान कर दीजिए जिससे मैं स्वयंवर में जाऊं
तो राजकुमारी हमारे गले में बरमाला डाल दी और फिर कह रहे हैं हे नाथ यही विधिनाथ हो हित मोरा करहु सुबेगे दास मैं तोरा। हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, आपको जिसमें मेरा हित जान पड़े आप वही करिए। जीव का स्वभाव क्या है, जीव भगवान के आगे जाकर अपनी बात रखता है ना, लेकिन भगवान वर्तमान देखकर हमें आपको कुछ नहीं प्रदान करते, वो भविष्य देखकर हमारे हमको आपको प्रदान करते हैं। हमको कल क्या चाहिए उन्हें पता होता है। नारद जी गए विश्वमोहन रूप मांगने, भगवान ने उन्हें कपि का रूप प्रदान कर दिया। नारद गए हैं स्वयं में बैठे, दो भगवान शिव के गण नारद जी को देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं। दोनों गण आपस में बात करते हैं, क्या तो विश्वमोहिनी इन्हीं के गले में बरमाला डालेगा। विश्वमोहिनी लक्ष्मी जी के स्वरूप में बरमाला लेकर के निकली और वहां पर श्री हरिनारायण राजकुमार के भेष में आए और लक्ष्मी जी विश्वमोहिनी के रूप में है श्री हरिनारायण के गले में बरमाला डाल दिया और श्री हरिनारायण उस विश्वमोहिनी को लेकर शिव सागर में निवास करने लगे। नारद जी वहां से निकले तो इनका स्वरूप बंदर का हो गया, इन्हें बड़ा दुख हुआ, ये चल पड़े क्षीर सागर की तरफ। रास्ते में इन्हें नारद जी मिल गए, भगवान ने देखा कि नारद जी बड़ी कुल भरी स्थिति में है, जल्दी इनके पास चला जाए क्योंकि इनसे हमें कुछ लेना है ना, क्या लेना है, श्राप लेना है। रास्ते में ही नारद जी को श्री हरि नारायण मिल गए, विश्वमोहिनी कन्या को लेकर देखा। नारद जी ने देखा कि विश्वमोहिनी कन्या इनके पास, मैंने इनके पास गया था विश्वमोहन रूप मांगने, इन्होंने मुझे कपि की आकृति दे दी और मैंने गया इस कन्या का, मैंने इन्हें पता बताया कि जाकर के स्वयं मुझसे विवाह कर दिया। इतना बड़ा छल। नारद को श्री हरि नारायण पर क्रोध आया, नारद ने तुरंत श्री हरि नारायण को श्राप दिया, मेरा पहला श्राप आपने जो राजकुमार बनकर मेरे साथ छल किए हैं, आपको ही राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। मेरा दूसरा श्राप, आप जब वही राजकुमार का शरीर धारण करेंगे, आपने मेरी कपि की आग्रह की, मैंने कहा आपसे विश्वमोहन का स्वरूप मांगे, आपने मेरी कपि की आग्रह कर दी, बंदर का स्वरूप दे दिया। मेरा दूसरा श्राप, जब आप राजकुमार का शरीर धारण करेंगे तो वही बंदर आपकी सहायता करेंगे। मेरा तीसरा श्राप, आज जैसे मैं विश्वमोहिनी के दुख में रो रहा हूँ, पत्नी के विराह में रो रहा हूँ, एक दिन ऐसे आपको नारी के वियोग में रोना पड़ेगा। नारद ने तीन श्राप दिया और भगवान श्री हरि नारायण ने तीनों श्राप स्वीकार किया। जैसे भगवान ने नारद के पास से अपने माया की परत को हटाए, नारद रोने लगे, सारे प्राप्त पाप भूते हो जाए। प्रभु मैंने अपने प्रभु को श्राप दिया, भगवान ने कहा नारद आपने श्राप दिया नहीं, मैंने आपसे श्राप लिया। नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं ही आपको मिला था श्राप लेने के लिए। भगवान ने कहा देखो ऋषिवर, जहां पर भरोसा रहता है वही तो मांगा जाता है, आपसे विश्वास था कि आप मुझे प्रदान करेंगे,
इसलिए तो मैंने आपसे मांगा। हर जगह हर वक्त मांगी भी नहीं जाती, जैसे नारद जी बाहर निकले। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि आप जाइए, भगवान शिव के नाम का जप करिए, आपके मन को शांति मिलेगी। श्री हरि नारद जी आगे बढ़े, रास्ते में इन्हें दो भगवान शिव के रुद्रगण मिले। इनको देख करके नारद को श्राप, नारद जी को क्रोध आया। नारद जी ने इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर का शरीर प्राप्त करोगे, भगवान श्री हरि नारायण शरीर धारण करके तुम्हें मुक्त करेंगे। ये भगवान के शरीर धारण करने का तीसरा कारण। चौथे कारण में श्राप नहीं आशीर्वाद मनु और शत्रु पर। नवमिश्रान ने तीर्थ में महाराज मनु और देवी शत्रु पर 23,000 वर्ष तक कठोर तप किए। इतना तप किए अस्थि मात्र वही रहे शरीरा, तदपि मनाही मन ही मग धीरा। मनु जी घोर तप किए, उनकी तपस्या से मनु का पूरा शरीर गल गया, केवल अस्थि मात्र रह गया। इस दशा को देखकर आकाश बाणी भई, मागो मागो पर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा अमृत जानी। मांगे क्या चाहिए आपको मैं प्रदान करूंगा। जैसे आकाश बाणी की आवाज मनु शत्रुपा जी के कान में आई, उनका गला हुआ शरीर पहले जैसा ही प्राप्त हो गया। मनु जी ने मन में विचार किया कि जिनकी बाणी में इतनी पावर है, इतनी ताकत है, जिनकी आवाज सुनकर मेरा गला हुआ शरीर पहले जैसा हृष्ट पुष्ट हो गया, जब उनका दर्शन हो जाएगा तब तब मुझे कैसा लगेगा। मनु जी ने मन में इच्छा किया कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। भगवान प्रकट हो गए, लेकिन मनु जी सुने थे कि भगवान शंकर और काव्य सुंदरी जी भगवान के स्वरूप को देख करके आनंदित होते रहते हैं। आज भगवान के जन्मोत्सव की कथा है, 20 मिनट के अंदर भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आधे घंटे के अंदर थोड़ी कथा आरती पूरा विश्राम करने का प्रयास है। भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो गए। मनु जी ने कहा कि प्रभु जिस पर्वत को काकभुषुंडी और भगवान शंकर देखना चाहते हैं, मैं उसी स्वरूप को देखना चाहता हूँ।